गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज अपने एक ऐसे बिंदु के ऊपर, एक ऐसे टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं जो प्रेजेंट टाइम में या वर्तमान समय में काफी चर्चित है, और वह बिंदु है अपना स्पेशल बीएसटीसी। देखो, स्पेशल बीएसटीसी आप सबने सुना होगा कि सर एक तो होती है बीएसटीसी, एक होती है स्पेशल बीएसटीसी। अब यहाँ पर कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर क्या हम भी स्पेशल बीएसटीसी कर सकते हैं, क्या स्पेशल बीएसटीसी की योग्यता क्या होती है, कौन फॉर्म भर सकता है, फॉर्म कहाँ भरने होते हैं, इसके लिए कितने परसेंट चाहिए, क्या एग्जाम होती है क्या, इस प्रकार के कई कमेंट बच्चों के मेरे पास में आ रहे हैं। तो आज की अपनी जो क्लास है उस क्लास में अपने चर्चा करेंगे स्पेशल बीएसटीसी की। यहाँ पर मैं ए टू जेड आपको सारी प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर आपको समझाने जा रहा हूं। इसके बाद में मेरे ख्याल से आपके इससे संबंधित कोई डाउट नहीं रहेगा। देखो, सबसे पहले बात तो यही करते हैं कि गुरुजी स्पेशल बीएसटीसी कहते किसको है। बीएसटीसी आप सब जानते हो सीनियर के बाद में करते हैं, यह भी अपने सीनियर के बाद में ही होती है। लेकिन अब बात ये आ रही है गुरुजी, बीएसटीसी और स्पेशल बीएसटीसी इन दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहली बात तो यही आती है, देखो अंतर क्या होता है या स्पेशल बीएसटीसी किसको कहते हैं। तो अपने स्पेशल बीएसटीसी के लिए कह सकते हैं कि जो अवमंदित बच्चे होते हैं, किस प्रकार के जो अवमंदित बच्चे, मतलब जो शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए होती है कौन सी अपने स्पेशल बीएसटीसी। समझो, बीएसटीसी में तो नॉर्मल बच्चे होंगे अपने, ठीक है। स्पेशल बीएसटीसी में अपने अवमंदित बच्चे, शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे, जैसे मान लो किसी के सुनने में दिक्कत है, किसी को देखने में दिक्कत है, तो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं उनके लिए कौन सी होती है अपने स्पेशल बीएसटीसी। क्लियर है फर्स्ट बात। सेकेंड पॉइंट आता है सर, इसकी योग्यता क्या है, कौन लड़का इस बीएसटीसी को कर सकता है। तो योग्यता के लिए भैया आपको सीधा सा ध्यान रखना है, आपके 12वीं क्लास में कम से कम कितने प्रतिशत अंक होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए। मतलब सीनियर क्लास में चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, चाहे साइंस से हो, आर्ट से हो, आपके कम से कम कितने परसेंट नंबर होने चाहिए, 50% नंबर होने चाहिए। 50% से ऊपर जिनके नंबर है वो लड़का क्या कर सकता है, स्पेशल बीएसटीसी कर सकता है। दो पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट आता है सर, इसके फॉर्म कहां मिलते हैं, फॉर्म कहां भरे जाते हैं, फॉर्म हम कहां से प्राप्त करें। तो देखो भैया, हर जिले में अपने दो चार कॉलेज आपको ऐसी मिल जाएगी जिनको आप सर्च कर सकते हो, लिस्ट आपको मिल जाएगी सारी वहां पे, या मैं भी आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर अपलोड करा दूंगा। तो उस कॉलेज में आप जाओ और वहां से आप इसका फॉर्म खरीद के फॉर्म भर दो। फॉर्म की फीस यही लगभग 200-300 रुपए के आसपास का फॉर्म आता है, उस फॉर्म को आप भर के क्या कर दो, जमा करवा दो। समझ गए। तो फॉर्म कहां प्राप्त होंगे, कॉलेजों में प्राप्त होंगे। अगला बिंदु आता है कि सर क्या इसमें एग्जाम होती है क्या, जैसे बीएसटीसी करने के लिए अपने प्री डीएलएड की एग्जाम जो होती है, बीएड करने के लिए अपने पीटीटी की एग्जाम होती है, तो क्या इसमें भी अपने किसी प्रकार की कोई एग्जाम होती है क्या। तो ध्यान रखना, इसमें किसी प्रकार की कोई एग्जाम नहीं होती, किसी प्रकार की कोई एग्जाम नहीं होती। आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद में मेरिट के आधार पर आपका क्या हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। जैसे अपने बात करें कि वर्तमान समय में, ठीक है, ये लास्ट का पॉइंट है कि 2024 के फॉर्म, जैसे अभी अपने 2024 चल रही है, तो इसके फॉर्म जो है वो लगभग 15 मई के आसपास अपने भरने क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। 15 मई के आसपास इनके फॉर्म क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे भरने। तो आप भी जो बच्चा स्पेशल बीएसटीसी करना चाहता है वो आप जरूर से इनके फॉर्म अप्लाई करें। अब बात आती है कि सर इसमें जो एग्जाम होती है अपने टीचर्स की, वेकेंसी जो आती है, उन वेकेंसियों में इसकी कितनी सीटें आती है, स्पेशल बीएसटीसी की कितनी सीटें हमें प्राप्त होती है, क्या हमारे नौकरी के ज्यादा चांस होते हैं इसमें। तो भैया इसमें अपने सीटों की बात करें तो लगभग मान के चलो अपने 3-4% के आसपास सीटें जो है वो स्पेशल बीएसटीसी वालों के लिए होती है। जो थर्ड ग्रेड की अपने एग्जाम होती है उसमें 3-4% जो सीटें होती है
वो किन के लिए होती है, स्पेशल बीएसटीसी वालों के लिए होती है। तो कहने का मतलब है कि ये एक प्रकार से अपने देखे तो ये एक गोल्डन चांस अपने लिए है, समझ रहे हो, क्योंकि कई बच्चे जो होते हैं उनको तो अभी तक, कुछ बच्चों को तो ये भी पता नहीं है कि स्पेशल बीएसटीसी होती क्या है, कैसे करते हैं, कहां से करते हैं, किस प्रकार होती है। 90% जो बच्चे हैं वो नॉर्मल बीएसटीसी करते हैं, 10% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये जानकारी प्राप्त होती है कि स्पेशल बीएसटीसी हम कहां से, कैसे, किस प्रकार से कर सकते हैं, इसकी क्या प्रोसेस होती है। तो यहां पर भैया मैंने आपको स्पेशल बीएसटीसी से संबंधित सारी बातें मैंने आपको बता दी है। कॉलेज में आपको जाना है, कॉलेज से आपको फॉर्म लेना है, कॉलेज में फॉर्म आपको भर के जमा करवाना है, और खास तौर से आपको कैटेगरी का ध्यान रखना है, क्योंकि मेरिट में कैटेगरी वाइज मेरिट बनती है, एससी एसटी ओबीसी वगैरह जनरल वगैरह की, ठीक है। तो वो भी आपको ध्यान रखना है, आधार कार्ड, जन्म ये जाति प्रमाण पत्र वगैरह ये सब भी आपके पास में होने चाहिए। फिर आपके कॉलेज में एक क्लासे लगेगी, क्लासे लगने के बाद में जैसे आपकी बीएसटीसी हो जाती है, स्पेशल बीएसटीसी, फिर आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, एग्जाम में आप बैठ सकते हो, समझ रहे हो। बस अंतर इतना है, स्पेशल बीएसटीसी में जो बच्चे होते हैं वो अवमंदित होते हैं, जबकि बीएसटीसी जो होती है उसमें जो बच्चे होते हैं वो नॉर्मल बच्चे होते हैं, बस यही अंतर है, इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। बीएसटीसी करने के लिए आपको प्री डिलेड की जो एग्जाम होती है वो आपको देनी पड़ती है, जिसे अपने पीटीईटी की देते हैं, ठीक है, मतलब बीएसटीसी करने के लिए आपको एक प्री एग्जाम देनी पड़ती है, जबकि स्पेशल बीएसटीसी में आपको किसी प्रकार की कोई एग्जाम नहीं देनी है। तो ये आपको जो कमेंट मेरे पास में आ रहे थे, मेरे ख्याल से अब आपके किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर अब भी किसी बच्चे के स्पेशल बीएसटीसी से संबंधित किसी प्रकार का कोई डाउट है तो वो कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है, ओके भैया। तो थोड़ा सा जो बच्चे इंटरेस्टिंग है स्पेशल बीएसटीसी करने के लिए वो ध्यान रखे कि लगभग 15 तारीख के आसपास से, अपने 15 मई के आसपास से आपके जो फॉर्म है वो बढ़ने इसके स्टार्ट हो गए हैं। तो जो भी बच्चे इच्छुक हो स्पेशल बीएसटीसी करने के वो इनके फॉर्म जरूर से अप्लाई कर दे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।